अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम किया जाता है आपका एसकेएन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम ग्रामर देखेंगे, फिफ्थ क्लास का है ये। इस आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर ग्रामर, और ग्रामर में देखेंगे सिफत, सिफत यानी एडजेक्टिव। और इससे पहले की वीडियो में हमने कंटेंट देखा है फिफ्थ क्लास की, जान पहचान यानी थोड़ा सा हयात व खिदमात के ताल्लुक से सारे असबाक को मुकम्मल किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले से जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारी होगी सभी तरह के एस्टेट, टीईटी, सेटेट, इसके अलावा यहाँ पे है रीट, आरपीएससी, और जहाँ भी आपको इस तरह का ग्रामर ग्रामर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहाँ पर ये हेल्प करेगी। तो पहले देख लेते हैं कि फिफ्थ क्लास में किस तरह से बताया हुआ है सिफत को, और उसके बाद हम डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चों के लिहाज से ग्रामर दिया हुआ है, आपको को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रामर में सिफत। सिफत किसे कहते हैं? इस्म की कैफियत और हालात बताने वाले लफ्ज को हम सिफत कहते हैं। मिसाल के तौर पर जुमले देखें, यहाँ पे दिए हुआ है एक टूटा फूटा मकान था, वहाँ एक औरत पुरानी रजाई ओढ़े लेती थी, गंदे कपड़ों में दो बच्चे जमीन पर बैठे थे। इन जुमलों में टूटा फूटा मकान, पुरानी रजाई, गंदे कपड़े, लफ्जों में जो है ये टूटा फूटा, पुरानी, गंदे, ये क्या है? सिफत है। और जो मकान, रजाई, कपड़ों की हालात बताने वाले अल्फाज आए हैं, ये दूसरे अल्फाज इस्म है। जब ये सिफत के साथ आएंगे तो क्या बन जाएंगे? मौसूफ बन जाते हैं। ये याद रखें कि सिफत के साथ आने पर ये मौसूफ बन जाते हैं। जैसे टूटा फूटा ये सिफत है, पुरानी ये भी सिफत है, गंदी ये भी सिफत है, एडजेक्टिव है। लेकिन मकान, रजाई, कपड़े ये तो इस्म है, लेकिन सिफत के साथ आ रहे हैं, इसलिए ये मौसूफ बनेंगे। देखिए, सिफत की किस्में होती हैं, अलग अलग तरह की किस्में होती हैं। सिफतें ज़ाती है, सिफतें नस्बती है, सिफतें अददी, सिफतें मकदारी। तो इसे हम देखेंगे सिफतें ज़ाती। यहाँ पे क्या बताया हुआ है छोटे बच्चों के लिए? यहाँ पे बताया हुआ है उनके वालिद बड़े ताजिर थे, उस अजीम मकसद के लिए 18 लाख रुपये बैंक में जमा कराए। चमकदार, बड़े अजीम, ये अल्फाज खत कशीदा किए गए हैं जो शय, ताजिर और मकसद की सिफत बताते हैं। जो अल्फाज मौसूफ की ज़ाती खसूसियात बताएं उसे हम बोलेंगे सिफते ज़ाती। सिफते ज़ाती किसे कहते हैं? जो अल्फाज मौसूफ की ज़ाती खसूसियात बताते हैं उसे सिफते ज़ाती कहेंगे। अब सिफत निस्बती किसे कहा जाता है? देखिए, पहले जुमले देख लेते। वो साइंसी आलात भी तजुर्बा गहा तक ले जाती थी, कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है। तीसरा है यहाँ पे समंदरी जहाज से सफर के लिए बहुत वक्त लगता है। एक खत कशीदा अल्फाज जो साइंसी, अंगूरी, समंदरी, ये अल्फाज आलात, रंग, जहाज से निस्बत रखते हैं। यहाँ पे सी आलात हो गए, रंग, ये रंग से अंगूरी, ये रंग से ताल्लुक रख रहा, और समंदरी जहाज, ये जहाज से ताल्लुक रख रहा है। इन्हें सिफतें निस्बती कहते हैं। आगे हम इनके खसूसियात यहाँ पे 10 बरस 6 महीने 4 दिन से एक मुद्दत की तवालत मालूम हो रही है। यहाँ बरस, महीने, दिन इस्म है जिनकी खसूसियात 10, 6, 4 के आदाद से बताई गई हैं।
सिफत अददी यानी जिसमें आदाद होते हैं, इसे ही हम अददी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दिए हुआ था महीने, बर, दिन, ये क्या है, अदद में है। दूसरी मिसाल में 100 सिफात, एक सदी, 550 रुपये, हजारों उम्मीदें वगैरह। ऊपर की दूसरी मिसाल में इतनी दूर का हाल से एक मुकाम की तरफ इशारा किया गया है, लेकिन मालूम नहीं होता कि वो मुकाम वाक़ में कितनी दूरी पर है। ऊपर की मिसालों में 10, 6, 4 की तरह इतनी दूरी भी एक नाप है जो इसमें हालात की सिफत बता रहा है। इसे सिफती में अकदारी कहेंगे, जिसमें आदात हो से आददी और जिसमें कम, थोड़ा, दूर, करीब, पास, इस तरह के अल्फाज आते हैं वो सिफते मकदारी कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एनसीईआरटी का है, एडजेक्टिव के बारे में ही बताया है सिफत की। इसमें इबारत को गौर से पढ़ें। सफिया अपने बेटे राशिद और बेटी कौसर को लेकर खिलौनों की दुकान पर गई। वहाँ खूबसूरत खिलौने थे। एक सफेद बिल्ली लाल साइकिल चला रही थी। कुछ जापानी गुड़ियाँ थी, हिंदुस्तानी गेंदे और बल्ले भी थे। चींटी के बने हुए कुछ फल थे जो बिल्कुल असल फल मालूम हो रहे ही थे। तरफ चंद किताबें और कुछ कापियां भी थी। कौसर ने जापानी गुड़ियां ली, राशिद ने दो बल्ले और कुछ कापियां ली। सफिया ने कहा, इतनी सारी चीजें। तो यहाँ पे इस इबारत में आपने देखा है कि इस्म के साथ इनकी किस खसूसियात का भी जिक्र हुआ है, जैसे खूबसूरत खिलौने, सफेद बिल्ली, लाल साइकिल, जापानी गुड़िया, हिंदुस्तानी गेंदे, चिकनी मिट्टी, असली फल, चंद किताबें, कुछ कापियां और इतनी सारी चीजें वगैरह। यहाँ पे बताया हुआ है कि वो लफ्ज जिससे किसी इस्म की अच्छाई और बुराई का खसूसियात जाहिर होती हैं, इसे हम सिफत कहते हैं। तो नोट्स बनाते चले गए, वो लफ्ज जिससे किसी इस्म की हमें अच्छाई और बुराई मालूम हो रही हैं, वो क्या है, सिफत है। जैसे यहाँ पे अजवाक में आया था, खूबसूरत, सफेद, चिकनी, असली, चंद, कुछ और इतनी। ऊपर की इबारत में इस्म की जो खसूसियात बताई गई हैं, इन्हें अलग अलग जुमरों में बांट कर देखा जाए तो मालूम होगा कि सिफत की अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे यहाँ पे सिफत ज़ाती, वो अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज की ज़ाती खसूसियात, हालात या कैफियत जाहिर हो, उसे सिफत ज़ाती कहेंगे। जैसे खुश मिजाज, खुश मजाक, बाविखार, अजीब, गरम, ठंडा, जहीन, बेचैन, शरीफ, नफीस, अच्छा, बुरा वगैरह, ये क्या है, इसकी सिफत ज़ाती की मिसालें हैं। और वो सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का एक लगाव या नस्बत पाई जाए, इसे सिफत नस्बती कहेंगे। जैसे यहाँ पे अभी हमने अजबाक में देखा, हिंदुस्तानी बल्ले, फिर इसी तरह जापानी गुड़िया, कश्मीरी शाल, अरबी घोड़ा, ये क्या है, सारे के सारे सिफतें नस्बती हैं। इन कलमों में हिंदुस्तानी, जापानी, कश्मीरी, ये क्या है, सिफतें नस्बती हैं। इसी तरह यहाँ पे वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद जाहिर हो रही, हमें तादाद मालूम हो रही, वो सिफतें अददी होंगे। जैसे दो बल्ले, चंद किताबें, कुछ कापियां, 10 खवातीन और इतने सारे लोग वगैरह, इनमें वो, चंद, कुछ, 10 और इतने सारे, ये क्या है, सिफतें अददी हैं। इसी तरह सिफत मकदारी में क्या आएगा, वो सिफत जो किसी चीज की मकदार या नाप या वजन को जाहिर करे, इसे क्या बोलेंगे हम, सिफत मकदारी। जैसे वो 2 किलो मिठाई, पाव के भर चीनी, 5 मीटर कपड़ा, चुटकी भर नमक, 1 लीटर दूध, ये सारा कुछ क्या है, सिफत मकदारी कहलाएगा। जिसमें आदत ना हो वो सिफत मकदारी कहेंगे। तो सिफत मकदारी में ये सारी चीजें थी, ये हैं सिफत मकदारी की।
صفت ذاتی کو یہ بھی یاد رکھیں کہ صفت مشابہ کہا جاتا ہے، اسے صفت ذاتی بھی کہتے ہیں۔ صفت مشابہ وہ صفت ہے جس میں کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پایا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو جس میں آپ کو صفت مقداری، صفت عددی، صفت ذاتی، صفت نسبتی کے تعلق سے معلومات دی گئی ہیں۔ اگلی ویڈیو ہماری ہوگی، یہاں پہ اگلی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہوں گے فعل کے تعلق سے، دیکھیں گے ہم۔